Hello class 12 students, welcome to today's online class. And in today's online class, we are going to start new chapter of class 12 physics, which is chapter number 5, magnetism and matter. हम लोग नया chapter start करने वाले हैं. Chapter का नाम है magnetism and matter. ये chapter 5 है. अभी तक हम लोगों ने इसके पहले chapter number 4 में देखा कि moving charges and magnetism, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ था. जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ पैदा होने वाला होगा और उससे मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा. मगर इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिज्म को बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग चीज के लिए पढ़ेंगे और वो रहेगा एक बार मैग्नेट के लिए. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस चीज को हम लोग पहले देखते हैं. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिज्म में इंट्रोडक्शन क्या होगा. इंट्रोडक्शन में देखेंगे, कुछ कहानियां देखेंगे कि क्या हुआ था, मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, समझ लेंगे बस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक मैग्नेट के आसपास क्या होता है जिसके कारण वो वहां पर फोर्स लगा सकता है. फिर एक ऐसी चीज जो हमने मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल, उसको बार मैग्नेट के लिए पढ़ेंगे हम. बार मैग्नेट के लिए बार मैग्नेट क्या होता है ये भी जानेंगे. फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ये मैग्नेटिक डायपोल या फिर बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये जानेंगे इस चैप्टर में. फिर देखेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम देखेंगे टॉर्क जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे. फिर उसके बाद एक नया चीज देखेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म, हमारा अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्या है अर्थ के अंदर जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्या बड़ा सा मैग्नेट है, देखेंगे फिर उसे समझेंगे. और फिर ये मैटर्स जो मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए कुछ रिएक्शन देते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, उन सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक. और आखिरी में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स के बीच का रिलेशन और उसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर है छोटा सा, है इम्पोर्टेंट, मगर पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन बोर्ड से, साथ ही नीट और JEE में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दिखते, न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बट उतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं दिखेंगे. तो हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन में. तो मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन में हम अक्सर ये समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हिस्ट्री बिहाइंड द मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहली पुरानी बात सुनाई देती है एशिया माइनर, मतलब एशिया का जो यूरोप की तरफ जो एशिया है जिसे एशिया माइनर कहा जाता था, वहां पर कुछ ऐसे जगह था जहां पर एक जगह का नाम था मैग्नीशिया, और उस मैग्नीशिया जगह के नाम पर मैग्नेट का नाम पड़ा. असल में वहां पर जो लोग रहते थे, वहां के जो कुछ खदानों में काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले गौर किया कि खदानों में कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है. कहानी टाइप सुनो इसको, एबनॉर्मल होता था वहां पे, मतलब वहां पे खदानों में कोयले के खदान या फिर किसी प्रकार के ओर के खदान थे, कोयले के खदान या लोहे के खदान, आयरन ओर जहां से मिलता है, तो वहां पर खदानों में मजदूरों ने देखा कि वहां के जो औजार रहते थे उनके, वो अचानक दीवारों में चिपक जाते थे या फिर कुछ वाइब्रेशन उनको फील होता था, किसी प्रकार का फोर्स फील होता था उनके औजारों को, कोई रोक रहा है उनके एक्स को या फिर खोदने की चीजों को, इनको सब कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उनको फील ऐसा होता था उस जमाने में. ऑफ कोर्स ये बात आपको ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि जब इस सब चीज के बारे में पता ना हो, मैग्नेटिज्म के बारे में आपको पता ना हो, तो क्या दिमाग में आता है, जरूर कुछ भूत प्रेत होगा, वैसा कुछ वहां पे फील किया. मगर फिर कुछ ज्ञानी पुरुष लोग या फिर यू कैन से द साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट, दे वेंट फॉर द रिसर्च एंड दे केम टू नो कि वहां पर एक कुछ प्रकार का स्पेशल पत्थर पाया जाता है, पत्थर बोलते थे उसको स्पेशली, वो क्या था, आयरन ओर था, है ना, लोहे का टुकड़ा था जो दूसरे लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करता था, और उसे उन लोगों ने मैग्नेट नाम दिया.
उसे उन लोगों ने मैग्नेट नाम दिया। और यही नहीं, ये एशिया माइनर एशिया में ही नहीं हुआ, ये चाइना में भी ऐसा पाया गया, चाइना में भी देखा गया। तो उन लोगों ने इसको बिल्कुल अलग तरीके से यूज किया, उसके अट्रैक्शन या फोर्स वाले प्रॉपर्टी को उन लोगों ने क्या किया, लोहे के उस टुकड़े को या बोलो मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, लटका दिया और देखा कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर स्टैंड हो जाता था या फिर रुक जाता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और इसका उन लोगों ने मदद लिया डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में, और इसके जरिए उन लोगों ने काफी दूर दूर तक यात्रा की। तो चाइना वालों लोगों ने ये किया, और मैग्नीशिया जो जगह का नाम था, जो यूरोप और एशिया के पास वाली जगह थी, ऐसी सब कहानी है, देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट और समथिंग ऐसा बोला जाता है। तो उन लोगों ने इसके बारे में पता किया, अब ये पता तो चल गया मैग्नेट कुछ होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड रिसर्च होने लगा। तो सबसे पहली बात जो इसमें आती थी कि व्हाट इज मैग्नेट, अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट। तो जो एक सब्सटेंस है, एक टुकड़ा है लोहे का, मैग्नेट की तरह काम करता है, वो क्या करता है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दूसरे, तो याद रखना निकल, कोबाल्ट, स्टील और आयरन, ऑफ कोर्स जिससे मैग्नेट बन रहा है, निकल कोबाल्ट स्टील निकल कोबाल्ट आयरन ऑफ कोर्स वो भी होगा। और बातें जो ध्यान रखना है, पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अब देखा गया इसको ना, हम लोगों ने देखा कि इस मैग्नेट के अंदर एक पॉइंट, एक या दो पॉइंट, मतलब दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, लोहे के टुकड़ों को सबसे ज्यादा वो वहीं पे अट्रैक्ट करता है, वहीं पे जाके। आप भी गौर किए होंगे, है ना, एक लोहे को आप रखे तो मैग्नेट के पास में, वो मैग्नेट के एक पार्ट में जाके चिपकता है, मतलब दैट पॉइंट इज हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव पावर, अट्रैक्टिव फोर्स यू कैन से। सो वो क्या हो गया, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। कितने प्रकार के पोल्स होते हैं, दो प्रकार के पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्यों नाम दिया गया, ऑफ कोर्स वही बात कि नॉर्थ पोल हमेशा सस्पेंड कर दे मैग्नेट को तो पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो करता था, इसलिए उसको नॉर्थ पोल बोल दिए। जो पॉइंट या जो मैग्नेटिक पोल साउथ की तरफ शो करता था उसको साउथ पोल बोल दिए, साउथ पोल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो दिखा रहा है ना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये बार मैग्नेट में अच्छे से हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट होता क्या है, बिल्कुल वो अपने बार जैसा होता है, चॉकलेट के बार्स होते हैं ना, रेक्टेंगुलर शेप के, क्यूबॉइड शेप के, वैसे टाइप दिखता है ये बार मैग्नेट, बिल्कुल सामने जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अच्छा ध्यान रखने वाली चीज, इन दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम लोग 2L से डिनोट करेंगे। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, याद आ रहा है हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था जब चार्जेस को पढ़ रहे थे, चार्ज डाइपोल को पढ़ रहे थे, याद है। तो दो चार्जेस थे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों मिलकर बन रहे थे एक डाइपोल, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने 2L लिया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ मिलने वाले हैं। उस चार्ज की जगह हम लोग बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ का, पोल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ी देर में पहुंचते हैं, मगर बात ध्यान रखना कि हम लोग जो भी चीज चार्ज के लिए पढ़े थे ना, वैसे ही कुछ मिलता जुलता यहाँ भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये 2L को हम लोग इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं, तो याद रखने वाली चीज 2L हमारा इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ। अब बार मैग्नेट समझ गए, एक बार के शेप का मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, 2L डिस्टेंस होगा पोल के बीच का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं। अच्छा एक और बात इसके पहले, असल में मैग्नेट का प्रॉपर्टी ऐसा बनता क्यों है, है ना। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी ऐसी इसलिए बनती है एक्चुअली, क्योंकि मैग्नेट असल में है क्या, एक पीस ऑफ आयरन, इट इज अ पीस ऑफ आयरन। तो ये पीस ऑफ आयरन के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दैट्स व्हाई द होल आयरन पीस इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो इनके ग्रेन्स रहते हैं, आयरन के ग्रेन्स रहते हैं, वो बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं एक के पीछे एक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पीछे नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके पीछे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बिल्कुल एक लाइन से अलाइन हो जाते हैं। इस कारण पूरे मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। बात समझ में आई, ये चीज है, वैसे ही हमने इसको अच्छे से देखा था, टेंथ में भी देखा था, है ना। क्यों एक मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इस मैग्नेट के अंदर के ग्रेन्स जो है छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे आयरन के, जिसको आप छोटे छोटे टुकड़े में बांट सकते हैं, वो भी
एक मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल बना लिए रहते हैं और एक दूसरे से अलाइंड रहते हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन की तरह डिसिप्लिन निभाते हुए नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर उसके पीछे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बिल्कुल इस तरीके से अलाइंड रहते हैं। समझ लीजिए एक डायग्राम के थ्रू अगर समझाना चाहे तो, जैसे मान लो ये हमारा बार मैग्नेट हो गया, तो इसमें अंदर के जो छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, उसके पीछे ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, उसके पीछे ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, कुछ इस प्रकार से ग्रेन्स अलाइंड रहते हैं। और इस ग्रेन्स के अलाइंड रहने के कारण ही इसके खुद का एक नॉर्थ बन जाता है जिस तरफ सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और एक साउथ बन जाता है जिस तरफ सारे साउथ फेस कर रहे हैं हर एक स्मॉल ग्रेन के। तो इससे रिलेटेड अब प्रॉपर्टी जाननी जरूरी है ना, प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। मतलब अब हमने समझ गया कि व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज बार मैग्नेट आल्सो, क्या करता है मैग्नेट, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक। मगर कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं इस मैग्नेट की, देखते हैं। इट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अभी हमने जाना, ठीक है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है भाई। अगली चीज, इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड मेड टू ऑसिलेट फ्रीली इट गेट्स अलाइंड अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल आसान सी बात, एक मैग्नेट को मैंने एक रस्सी से लटका दिया, वो क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, क्यों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। उसके बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक। और क्या प्रॉपर्टी, हाँ, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। हाँ, ये बात आई, अब ध्यान, अब ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये दोनों पोल्स को मैं पास लाऊंगा, एक दूसरे को धकेलेंगे इन लोग। चार्ज जैसी बात हो रही है, चार्ज में भी होता था ऐसा, चार्ज में होता था लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नॉर्थ नॉर्थ को पास लाए रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को पास लाए अट्रैक्ट करेगा, तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ये लिखा है अनलाइक पोल अट्रैक्ट, ठीक। अगली बात, मैग्नेटिक सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखना ये इंडक्शन का मतलब, हमेशा इंडक्शन का मतलब होता है संगत, संगति, अरे संगति में बिगड़ जाते हैं, संगति में सुधर जाते हैं, वैसे ही कुछ होता है, मैग्नेट की संगत में अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें तो वो खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस भी एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैग्नेट ये रहा, मान लो एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया मान लो, ठीक, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। अब मैंने पास में एक सब्सटेंस रख लिया, एक लोहे का टुकड़ा या फिर कोबाल्ट निकल या स्टील का टुकड़ा रख दिया, तो अपने आप ये वाला भी मैग्नेट बन जाएगा। मगर ध्यान देना, ये नॉर्थ के साथ वाला जो साइड होगा ना वो साउथ बन जाएगा, ये वाला साइड क्या बन जाएगा भाई, ये वाला साइड साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों ऐसा संगत में भाई, क्या कर रहा है ये मैग्नेट, असल में ये वाला जो मैग्नेट, पुराना जो मैग्नेट था हमारा, वो क्या चाहता है कि इसके पास वाला जो लोहे का टुकड़ा है वो उसके अपोजिट पोल का हो, तभी तो अट्रैक्शन दे पाएगा, और वो अट्रैक्शन चाहता है वहां पे, तो इधर भी अट्रैक्शन हो गया, इधर भी अट्रैक्शन, इधर भी अट्रैक्शन, क्योंकि अनलाइक पोल्स है, और वो उसको भी मैग्नेटाइज कर देता है, ठीक है। पुरानी बात है ये, तुम पहले ही जानते हैं, कुछ नया बताओ, चलो जानते हैं। आइसोलेट नॉर्थ एंड साउथ पोल, आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, मैग्नेट को तोड़ दो, आपने मैग्नेट को तोड़ दिया तो नॉर्थ अलग साउथ अलग नहीं होने वाला, एक नया साउथ पोल जन्म हो जाएगा। मतलब इसको मैंने तोड़ दिया, आधा कर दिया, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ हो जाएगा भाई, नॉर्थ इधर जो टूटा वो ये नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा। नहीं, अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, एक और पैदा हो जाएगा। आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अब मैग्नेट को खराब करना है आपको, उसको हीट कर दो या फिर हैमरिंग कर दो, उसको हथौड़े से ठोक दो या फिर आग दिखाकर गर्म कर दो, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। क्या होता है, उसके अंदर के जो ग्रेन्स है जो अलाइंड थे ना, वो फिर से रैंडम उल्टे तिरछे हो जाएंगे, आड़े तिरछे हो जाएंगे, फिर उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरा डैमेज हो जाएगा, और पूरा जो लोहे का टुकड़ा जो बन रहा था मैग्नेट, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर देगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग समझ गए कि प्रॉपर्टी क्या होती है एक मैग्नेट के, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मगर ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली हो क्यों रही है, इसके बारे में समझते हैं। मैग्नेट के आसपास ऐसा है क्या जिसके कारण ये फोर्स लगा सक रहा है,
दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर पा रहा है, उसके नॉर्थ पोल को रिपेयर कर पा रहा है इसका नॉर्थ पोल, उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर पा रहा है इसका साउथ पोल, जरूर पूछा है। दूर से ही फोर्स लगा दे रहा है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स लगा दे रहा है। ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि इसके आस पास कोई ऐसा रीजन है जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन के अनुसार? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के पास का रीजन, एक मैग्नेट के पास का स्पेस जहां पे इस मैग्नेट का फोर्स को महसूस किया जा सकता है। कौन महसूस करेगा? एक दूसरा मैग्नेट या दूसरे लोहे का टुकड़ा। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे है क्या? तो माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में इमेजिनरी लाइंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ पोल ऑफ मैग्नेट वुड ट्रेवल ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझिए आप। मान लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसके पास में मैंने एक छोटा सा मैग्नेट और लाया, ये वालो ये लाया। ठीक, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट छोटे से मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। चलो इसको मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो धकेलेगा। जो जिधर जिधर धकेल के ले जाएगा ना, उसको आप लाइन बना लो। जिधर जिधर धकेल के ले जाएगा, यूं कुछ ले जाएगा, तो उसको लाइन लाइन ड्रॉ कर लो, उसका एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर लो, और वो लाइन को हम लोग कहने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई? ये फोर्स लाइंस हुई। मतलब कहां पर उस मैग्नेट के द्वारा एक छोटे से मैग्नेट पे फोर्स पड़ रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को आपने ट्रेस किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? फोर्स के डायरेक्शन की लाइन है जो एक मैग्नेट के आसपास होता है, जहां पर वो दूर से ही फोर्स लगा पाता है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेगी, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में जाती हुई। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि नॉर्थ से तो निकल रही है साउथ में जा रही है, मगर मैग्नेट के अंदर ना ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनको क्लोज्ड लाइंस कहा जाता है। क्लोज्ड लाइंस मतलब ये क्या है, पूरी एक क्लोज्ड लूप बना रही है, नॉर्थ से निकली साउथ में गई और मैग्नेट के अंदर वापस उसे कंप्लीट कर दी लूप को, तो क्लोज्ड लाइंस हुई। चार्ज में होता था क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, नेगेटिव चार्ज तक जाती थी और वहां रुक जाती थी, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती थी, यहां बनता था। ये थोड़ा सा अंतर हुआ, ध्यान रखने वाली बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझ गए। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, अभी जाना है हमने क्लोज्ड लूप है, नॉर्थ से निकला साउथ में पहुंचा मगर साउथ से नॉर्थ में भी जा रहा है अंदर मैग्नेट के। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अभी जानेंगे, थोड़ी देर बाद जान लेंगे इसको, कुछ अगली क्लास में समझ लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नाम से समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता, कितना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है वहां का। तो जितनी ज्यादा ये पास में लाइंस होगी, तो देखो ध्यान देते हुए यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए देखो, यहाँ पे पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बड़ा तगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तगड़ी होगी, तीव्रता तगड़ी होगी। तो ये समझने वाली बात अभी। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहीं पर भी टेंजेंट बना ले, है ना। देखो ये यूं जा रहा, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसा दिखेगा। ये टेंजेंट होता क्या है, एक कहीं पर भी किसी का आर्क को एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता हुआ लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, तो ज्यादा हमें कठिनाई नहीं होगी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी टच नहीं करेंगे। सर यहाँ पे टच कर रहे हैं, नहीं, टच नहीं करने वाले।
जहां टच करेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन बन जाएगा। अरे टच कर रहे मतलब दो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट पे है ना, मगर दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एक पॉइंट पे नहीं हो सकता, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा, टच नहीं करेंगे, वो पास पास होंगे मगर टच नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और उसकी प्रॉपर्टी भी। अब हम लोग थोड़ा इससे रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं। बार मैग्नेट समझे हमने, बार मैग्नेट में एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जितना तगड़ा मैग्नेट होगा उतना तगड़ा उसका पोल का स्ट्रेंथ होगा। पोल का स्ट्रेंथ मतलब कितना तगड़ा उसका फोर्स लगाने की क्षमता है। फोर्स लगाने की क्षमता पे पहुंचने से पहले हमको पोल स्ट्रेंथ जानना होगा। पोल स्ट्रेंथ क्या हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना मैग्नेट में, तो उसकी कितनी ताकत है फोर्स लगाने की उस एक पोल की। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो हम लोग बस इतना समझते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग अभी अगली चीज को पढ़ेंगे। तो पोल जो होता है मैग्नेट का उसका स्ट्रेंथ कितना है उसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, याद आ रहा हो तो, नहीं याद आ रहा तो एक बार उसको जरूर देखना। हमने इसके बारे में पढ़ा था पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तब हमने पोल स्ट्रेंथ के बारे में जाना था। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर। हाँ, इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर। स्पेलिंग पे ध्यान देना, एम्पियर की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्या होगा AMPERE, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, AM लिखे रहेगा, एम्पियर मीटर होगा पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट। कैसे बना सर ये? हाँ बिल्कुल वहीं से बना था, याद आ रहा है हमने मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में जब वायर में करंट फ्लो कराया था तो एक डाइपोल बन रहा था और उससे फिर हमने पोल स्ट्रेंथ पता किया था उसका। ठीक, अब उसके बाद में हमने देखा ये हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मान लो हमारे नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है M1 और साउथ पोल का M2। अब ये दोनों क्योंकि तो दोनों एक ही मैग्नेट है इसलिए M1 is equal to M2 is equal to M होना है यहाँ पे। क्या होगा, दोनों एक ही मैग्नेट है ना, तो एक M1 is equal to M2 is equal to M के बराबर होगा। स्मॉल लिख लेना, चलो स्मॉल लिख लेना, स्मॉल लिख लेना, M1 is equal to M2 is equal to M, ऐसा कुछ होगा क्योंकि ये दोनों एक ही मैग्नेट है। अलग अलग रहते, यहाँ पे एक और मैग्नेट रहता, मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रहता और दोनों के पोल स्ट्रेंथ को मैं देखता तो ये हो जाता M1 और ये हो जाता, ये वाला हो जाता हमारे लिए, ये वाला हो जाता M2, इसको मान लेते हम लोग M2। ठीक, तो दोनों में M1 और M2 अलग अलग होता, मगर ये क्योंकि एक ही मैग्नेट है, ये एक ही मैग्नेट है इसलिए दोनों का M1 is equal to M2 is equal to M मान सकता हूँ। ठीक, तो अब इसके हिसाब से मान लो इन दोनों के बीच की दूरी को d मान लेता हूँ। इस नॉर्थ पोल का M1 पोल स्ट्रेंथ है, साउथ पोल का M2 पोल स्ट्रेंथ है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है मगर जानना बहुत जरूरी है, कूलम्स लॉ। सर वो तो चार्ज में था, हाँ यहाँ भी है भाई, यहाँ भी फोर्स लग रहा, वो भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, तो मिलता जुलता होगा। यहाँ पर फोर्स बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, तो एक पोल दूसरे पोल के पर कितना फोर्स लगा रहा है, F से डिनोट करेंगे, उसका ऐसा यूनिट N न्यूटन होगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 into M2 यानी कि पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर के प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि दोनों को जोड़ दे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 अपॉन D स्क्वायर। हमने इक्वल टू साइन लाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगा दिया, तो f इज इक्वल टू k इनटू m1 इनटू m2 अपॉन d स्क्वायर। d क्या है, दोनों पोल के बीच की दूरी। ठीक, तो k क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। अरे याद आ रहा, यही फोर्स कांस्टेंट होता था k म्यू नॉट अपॉन 4π, या फिर कोई मीडियम ले लो अब तो म्यू अपॉन 4π। म्यू नॉट क्या था, एयर और फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए म्यू नॉट था, है ना, नॉट लगाते हैं, जीरो लगाते हैं म्यू के नीचे, तो वो हमेशा किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। तो म्यू लगा दिया तो वो किसी मीडियम के लिए हो गया म्यू अपॉन 4π k की वैल्यू। तो अपना फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4π m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इसके बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर बोल लो इसको ध्यान में रखते ही, क्योंकि फोर्स लग रहा है मतलब फोर्स लगने के पीछे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो कि हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है।
और फिर जानेंगे मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में मैं लिखाया नहीं, आज बताया नहीं, मगर बता दूं, डाइपोल का मतलब दो पोल, एक साउथ एक नॉर्थ, नॉर्थ साउथ पोल, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के 2L डिस्टेंस में रहे तो उसको डाइपोल बोलते थे, दो पोल। यहाँ भी नॉर्थ और साउथ पोल पास पास है 2L डिस्टेंस पे तो डाइपोल बोलेंगे। तो उससे रिलेटेड डाइपोल मोमेंट भी देखेंगे अगली बार और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नो न्यूमेरिकल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द न्यूमेरिकल। आज हमने पढ़ा क्या, आज हम लोगों ने जाना व्हाट इज मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद थोड़ा सा हमने जाना पोल स्ट्रेंथ यानी टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, पोल स्ट्रेंथ और कूलम्स मैग्नेटिक या फिर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसका फॉर्मूला बन रहा है एफ इजिकल टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, जिसमें से m1 और m2 क्या है, पोल के स्ट्रेंथ है और डी क्या है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी, ए क्या है, म्यू अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। तो दिस इज इट फॉर टूडे। याद रखना एफ है हमारा न्यूटन में, एस आई यूनिट न्यूटन, ये जो डी है, ये जो डी है, ये डी है हमारा मीटर में एस आई यूनिट, m1 और m2 पोल स्ट्रेंथ है, जिसका एस आई यूनिट होगा एम्पियर मीटर। तो दिस इज इट फॉर टूडे, कीप स्टडिंग, कंप्लीट दिस नोट्स, I will send the PDF. Thanks for watching it. Have a nice day.